निश्चय यस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 25 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स कुछ की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उपभोक्ता अधिकार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में परिभाषित किया गया है? या आप ऐसे समझ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा प्रदान किए गए हैं। सुरक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, अस्वीकार करने का अधिकार, इनमें से सही उत्तर चुनना है। डेल्टा में क्यों है? तो आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई से लागू हुआ है, जिस कारण से चर्चा में है। इसने इससे पिछले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लिया है। पहले हमारे पास था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उसका स्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने लिया है और 20 जुलाई से लागू हो गया। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के छह अधिकार बताए गए हैं। सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, चुनने का अधिकार, अपनी बात सुनाने का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उनको एज ए उपभोक्ता, उनको उपभोक्ता के तौर पर शिक्षित भी करा जाएगा। अगर उन्हें कोई सामान लिया है, कोई उन्हें शिकायत है, तो उसके निवारण का भी उन्हें अधिकार है, उनकी बात सुनने का भी अधिकार है, उन्हें चुनने का भी अधिकार है। चुनेंगे कैसे? उपभोक्ता अपने उत्पाद के बारे में जानकारी देगा, तो उन्हें सूचना प्राप्त करने का अधिकार है और इस सूचना के अधिकार पर फिर उन्हें चुनने का अधिकार है। इस उत्पाद से उन्हें कोई हानि ना हो, इसलिए उन्हें सुरक्षा का अधिकार है। छह अधिकार की बात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम करता है। देखते हैं तो सही आंसर क्या होगा। सुरक्षा का अधिकार है, ठीक है। निजता का अधिकार है, नहीं। अस्वीकार करने का अधिकार, नहीं। चुनने का अधिकार है, अस्वीकार करने का अधिकार, नहीं। तो इसमें केवल क्या शामिल है? केवल एक शामिल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखते हैं, यह भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से है। उम्मीद है कि इससे एक क्वेश्चन कम से कम यूपीएससी में और अदर स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर वन, केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए अधिकारों की और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करेगी। क्या इस अधिनियम में ये प्रावधान है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया जाएगा? नंबर दो, अनुचित अनुबंध के खिलाफ शिकायत केवल उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है और वो अनुचित है तो उसके खिलाफ केवल उच्चतम न्यायालय में शिकायत की जाएगी। तो देखते हैं कौन सा सही है। चर्चा में क्यों है वो हम जानते हैं कि ये 20 जुलाई से लागू हुआ है, इसलिए चर्चा में है। तो इसमें अपील कैसे की जाती है? तीन स्तर पे है इसमें, पहले भी तीन स्तर थे। पहला स्तर है जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन। इसी प्रकार से फिर एसडीआरसी है, एस सीडीआरसी, फिर नेशनल लेवल पर नेशनल सीडीआरसी है। तीन स्तर पे है। जिला में अगर आप इससे संतुष्ट नहीं है तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं एसडीआरसी में, और एसडीआरसी से आप संतुष्ट नहीं है तब एनसीडीआरसी में आप अपील कर सकते हैं, और अंतिम अपील इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है निर्णय के खिलाफ। तो ये तो इसमें त्रिस्तरीय इसका ढांचा है। एक नया काम इस बार सरकार ने क्या करा है, ये पहले भी था, पहले इसको फोरम बोलते थे, कमीशन आ गया, थोड़ा इनका ज्यूरिडिक्शन चेंज कर दिया है। जैसे डिस्ट्रिक्ट वाले में पहले 20 लाख तक के केस आते थे, अब वो 1 करोड़ तक के केस सुन सकता है। पहले स्टेट वाले में 20 लाख से 1 करोड़ तक के केस आते थे, अब वो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के केस सुन सकता है, और नेशनल वाला 1 करोड़ से ऊपर के केस सुनता था, अब वो 10 करोड़ से ऊपर के केस सुनेगा। तो स्ट्रक्चर ये पहले भी था, बस फोरम का कमीशन कर दिया है और ये उनका जो ज्यूरिडिक्शन का दायरा है वो बदल दिया गया है। इसे अलग काम क्या किया गया है, एक आयोग बनाया गया है। वो आयोग जनता को जागरूक करने का काम करेगा। जैसे हमने देखा अभी छह अधिकारों में एक अधिकार क्या है, शिक्षा पाने का अधिकार, तो वो उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाएगा। वो स्वतः संज्ञान से जरूरी नहीं है जनता ही कोई केस फाइल करे, अगर उसको लग रहा है कि व्यापक हित उपभोक्ता के जुड़े हैं तो खुद भी कोई केस फाइल कर सकता है, ठीक। तो ये एक काम इसमें नया किया गया है। बाकी जो अनुचित अनुबंध हमने देखा, कोई कॉन्ट्रैक्ट अनुचित है उसके खिलाफ शिकायत केवल राज्य और राष्ट्रीय सीडीआरसी में की जा सकती है। तो
जो 3 सीट लेवल पे देखा हमने अभी, डिस्ट्रिक्ट सीडीआरसी, स्टेट सीडीआरसी और नेशनल सीडीआरसी। तो अगर अनुचित अनुबंध है तब उसके खिलाफ केवल इन ऊपर वाले दो में अपील की जाएगी। वहां स्टेटमेंट में क्या लिखा है क्वेश्चन में, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं, स्टेट सीडीआरसी और नेशनल सीडीआरसी। और फिर अगर इनसे सेटिस्फाई नहीं है तब उस मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में भी की जा सकती है। देखिए तो क्या आंसर हो जाएगा, केंद्र सरकार एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए की स्थापना कर रही है, ठीक है, ये किया जा रहा है, ये नया प्रावधान है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का। अनुचित अनुबंध के खिलाफ शिकायत केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, नहीं, नेशनल और स्टेट सीडीआरसी में की जा सकती है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, सही है पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए। नेक्स्ट, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1961 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, यह अधिनियम राज्य सरकार द्वारा रखी गई सूची के अनुसार प्रदर्शन करने वाले जानवर जो कि सर्कस वगैरह में प्रदर्शन करते हैं वो, उनकी प्रदर्शनी और प्रशिक्षण को प्रतिबंधित करता है। तो क्या राज्य सरकार इस प्रकार की कोई सूची बनाती है कि किस जानवर का किया जा सकता है और किसका नहीं किया जा सकता, ये पूछ रहा है पहला स्टेटमेंट। और क्या राज्य सरकार बनाती है ये सूची या केंद्र सरकार बनाती है, ये भी एक विषय है। नंबर 2, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है। तो देखते हैं पहले चर्चा में क्यों है, फिर देखेंगे सही आंसर क्या होगा। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पशु कल्याण बोर्ड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड, इनको कहा गया है कि सर्कस में रखे गए जानवरों की संख्या पता लगाने के लिए तत्काल एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण कराएं। क्यों कहा गया है, क्योंकि एक फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन, इसने एक याचिका दायर करी थी और कहा था कि COVID-19 के कारण सर्कस तो हो नहीं रहे, तो सर्कस ना होने के कारण जो सर्कस मालिक हैं वो दिवालिया होने के कगार पे हैं, तो ये उन जानवरों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उन जानवरों की जान को संकट है, खतरा है। तब इन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर करी थी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड को कहा है कि सर्कस में जितने भी जानवर हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए, उसे प्रिपेयर किया जाए। इस फेडरेशन ने क्या कहा है कि इन जानवरों को सर्कस से मुक्त कराया जाए और इनका पुनर्वास किया जाए, कहीं चिड़ियाघर वगैरह में इनको लाया जाए और इनके पुनर्वास का कोई व्यापक कार्यक्रम बनाया जाए। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 21, 27 की संवैधानिकता जांच करने की भी बात इसमें कही गई है। यही वो दो धाराएं हैं जिनके आधार पर जानवरों से सर्कस में काम कराया जाता है, ये छूट देती हैं जानवरों की सर्कस में काम कराने का। तो फाइनल डिसीजन जब आएगा वो तब देखा जाएगा कि क्या होता है। फिलहाल उन्होंने एनिमल वेलफेयर बोर्ड को बोला है कि एक सूची बनाई जाए और एनिमल वेलफेयर बोर्ड का गठन पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत ही किया गया है 1962 में, और चूंकि इसका निर्माण एक कानून से किया गया है तो एक कैसा निकाय हो जाएगा, वैधानिक, ये एक वैधानिक निकाय है, जो कानून से बने वो वैधानिक और जो संविधान से बने वो संवैधानिक। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 22 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा रखी गई सूची के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा रखी गई सूची के अनुसार प्रदर्शन करने वाले जानवरों की प्रदर्शनी और प्रशिक्षण को प्रतिबंधित करती है। मतलब केंद्र सरकार बनाती है वो सूची, राज्य सरकार नहीं बनाती, जिसके आधार पर जानवरों को प्रतिबंधित किया जाता है कि किन किन को सर्कस में रखा जा सकता है और किन किन को नहीं। पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, इसमें बोला है राज्य सरकार सूची बनाती है, राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार बनाती है। दूसरा ठीक हो जाएगा, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 से ही किया गया है। पूछता है कौन से सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। पूछता सही नहीं है तब आंसर क्या हो जाता, केवल 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार करें। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, यह एक संचारी रोग है, कम्युनिकेबल डिसीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती है। वर्तमान में कोई व्यावसायिक रूप से उपलब्ध मलेरिया वैक्सीन नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। देखते हैं तो चर्चा में क्यों है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम HIL इंडिया लिमिटेड
ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सार्वजनिक उपक्रम है, किसका? रसायन और उर्वरक मंत्रालय का, एचआईएल लिमिटेड। तो एचआईएल लिमिटेड ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को लगभग 21 टन डीडीटी ये आपूर्ति किया है। डीडीटी क्या है? डीडीटी का प्रयोग मलेरिया की दवाई बनाने में किया जाता है। और एचआईएल इंडिया लिमिटेड दुनिया में डीडीटी बनाने वाली एकमात्र कंपनी है, जिस वजह से ये चर्चा में है। मलेरिया, उसकी दवाई डीडीटी, और ये एचआईएल लिमिटेड। ध्यान रखेंगे, एचआईएल लिमिटेड सार्वजनिक उपक्रम है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत। दवाई तो इसकी उपलब्ध है, लेकिन इसका टीका उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब कोई ऐसा टीका नहीं है जिसको लगवा लें तो फिर मलेरिया ना हो, लेकिन दवाई इसकी उपलब्ध है। पिछले 10 वर्षों में टीके बनाने के प्रयास किए गए हैं, उनमें काफी प्रगति भी हुई है, लेकिन कॉमर्शियल रूप से लाइसेंस प्राप्त कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, यह एक संचारी रोग है। देखते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, ठीक। संचारी रोग है, ठीक। कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ठीक। कौन से कथन सही है? तीनों ही सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? D1,2,4,3। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। एड्स, टीबी और मलेरिया के वैश्विक कोष GFATM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसने एड्स, तपेदिक और मधुमेह के अंत में तेजी लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कोष में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 95% है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी, सरकारी योगदान 95% है, बाकी 5% निजी क्षेत्र से मिलता है। तो देखते हैं चर्चा में क्यों है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान जो यौन कर्मी, ट्रांसजेंडर, समलैंगिक, उभयलिंगी और एचआईवी एड्स से पीड़ित व्यक्ति, इनके आजीविका स्रोत भी कम हो गए हैं, ये आजीविका से वंचित हो गए हैं। और साथ ही जो सरकारें इनके लिए राहत कार्य चलाती थी वो भी कम हो गए हैं, उसमें भी सरकारों ने अनदेखी की है। अब इस अनदेखी के लिए इस समूह ने ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया, ये जो संगठन बना है GFATM, फंड के तौर पर जाना जाता है, लेकिन दरअसल में ये एक एनजीओ है। इसमें याचिका दायर की है और कहा है कि सरकारों से कहा जाए कि वो जो COVID-19 राहत कोष सरकारों ने बनाए हैं उनमें से इस समुदाय के लिए भी पैसे को खर्च करें, जिससे इनके समक्ष जो संकट उत्पन्न हुआ है उसे दूर किया जा सके। इसलिए ये फंड चर्चा में है, ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया। फिर से ध्यान रखेंगे, फंड के तौर पर जाना जाता है लेकिन एक्चुअल में फंड नहीं है, पूरा एनजीओ है। क्या ये GFATM एक एनजीओ है जिसे ग्लोबल फंड के रूप में जाना जाता है? इसमें सार्वजनिक क्षेत्र से भी पैसा आता है और निजी क्षेत्र से भी पैसा आता है, लेकिन जो सरकारें पैसा देती हैं सार्वजनिक क्षेत्र, वो 95% है। जो विश्व की सरकारें पैसा देती हैं, और निजी क्षेत्र वाला केवल 5% है। सचिवालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक। और G8 समूह की पहल पे इसको बनाया गया था, ठीक। इसलिए ये चर्चा में है और इसको ध्यान रखेंगे। एक और बात इसमें ध्यान रख सकते हैं, शुरू में जब इसको बनाया गया था तब ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के तहत रखा गया था, लेकिन बाद में फिर 2009 में इसे एक स्वायत्त निकाय बना दिया गया। मतलब अब इसका खुद का प्रशासनिक ढांचा है, WHO के तहत ही कार्य नहीं करता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस कोर्स में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 95% है, ठीक है। ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये तो कॉमन सेंस से भी पता लगाया जा सकता है, जब क्वेश्चन में ही लिखा है कि एड्स, टीबी और मलेरिया के लिए वैश्विक कोष है। तो यहाँ पे एड्स, टीबी को लिख दिया तपेदिक, मधुमेह नहीं, क्या आना चाहिए था? मलेरिया। तो उसी से पता चल रहा है कि ये कैसा है, गलत है। तो सही है पूछा है, कौन सा सही है? केवल दो सही है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर ये क्विज आपको पसंद आती है तब आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की PDF आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।